तुम्ही प्राचम जो ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आहात, पहिला असलो तुम्ही खूपसे जे नॅरेटिव्ज असा हिंदू धर्माबद्दल आणि ते कसे त्यांच्यानी कसे रॉंग आहात आणि हिंदू धर्म म्हणजे किती त्यांच्यानंतर ती असतले जावं जाणे किती घालप ताच्या बोली हिस्ट्री किती असतले आणि जी आमकां हिस्ट्री केन्ना शिकवूंक ना त्याविषयी जे आमकां ओ टी टी प्लॅटफॉर्मार मेळटा आणि जे आमकां शिकवूंक मेळटा ताचे म्हणटा ते फाउंडर ते आमच्या वांगडा असा प्रवीण सर. सर वेलकम तुमकां. सर आपका आपने जो ओ टी टी प्लॅटफॉर्म क्यों बनाया वो? मुख्य जो कारण ये था कि हमें लगा कि हम अगर अच्छी फिल्में बनाएं भारत की संस्कृति पे आधारित, भारत के ज्ञान दर्शन पे आधारित, हिंदू धर्म पे आधारित, और अगर उसको हम सफलतापूर्वक अगर लोगों तक पहुंचा ना पाएँ, क्योंकि पहुंचाने के जितने भी चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब भारत विरोधी थे, आज भी सब भारत विरोधी हैं, और सब ये अंग्रेज़ों के चैनल्स हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि हम हिंदू धर्म के ऊपर या भारत के ऊपर कैसी फिल्में बना रहे हैं और क्यों हम इसको पहुंचाना चाहते हैं हर व्यक्ति तक. तो काफ़ी लेफ्टिस्ट और उस आइडियोलॉजी से अलाइन होने के नाते ना वो काफ़ी उसमें व्यवधान आते थे, वो लोग शेडो बैन करते थे. तो हमें लगा कि अगर अपना प्लेटफॉर्म होगा तो हम जो भी फिल्में बना रहे हैं, जो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो विश्व में सब हिंदुओं तक पहुंचा पाएंगे, जो हमारे हिंदुओं के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा. इसीलिए हम लोगों ने अपने विश्व के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राचीन टीवी की शुरुआत की हम लोगों ने. आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है अभी? रिस्पांस बहुत अच्छा है पूरे विश्व में. अच्छा, उसमें हर तरीके के बड़ी, आपने भी कुछ फिल्में देखी हैं है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं. तो विश्व के कोने कोने में जो हिंदू हमारे हैं वो उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको देखते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है. और धीरे धीरे हमें लगता है आगे समय के साथ और लोगों तक बात पहुंचेगी, और लोग इस परिवार से, इस संकल्प से, इस प्राचीन के इस मिशन से जुड़ेंगे और अपनी ही जो मूल है, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो सनातन धर्म के विषय में जानेंगे. ये जो बहुत बार नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसी पद्धति है वो जब सब विरोध है, समाज की विरोध है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए ये सब इन्हीं चीज़ों का जो काउंटर करने के लिए हमने प्राचीन की स्थापना की है. ये तो अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसके तहत ही उन्होंने ये सब चीज़ें, भ्रांतियाँ फैलाई हैं. हमारे हिंदू समाज को उन्होंने कास्ट सेंसस लाके उसको जातियों में बांट दिया है, क्योंकि उनको मालूम था. और जो जातियाँ उनका सहयोग नहीं की उनको उन्होंने सबसे नीचे की श्रेणी में रखा है. तो ये तो कास्ट, तो ये तो पोर्चुगीज शब्द है, कास्ता है, वहाँ से वो लेके आए इस कास्ट को. 1871 के कास्ट सेंसस में उन्होंने जातियों के हिसाब से इस समाज को बांट दिया, उन्होंने जातियों की परिभाषाएं दे दी हैं. इसलिए और ये आज भी जो पाश्चात्य जो पूरा जो देश है, जितने भी और जितने भी ये भारत विरोधी ताकतें हैं, आज भी हमको वही लेबल लगाती हैं कि हम कास्टिस्ट हैं. कोई कास्टिस्ट नहीं है. हिंदुओं को, सबको इस बात, इस सत्य का एहसास होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम हमेशा एक थे. हमारे यहाँ कोई कास्ट का, ये अंग्रेज़ों ने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. आप देखिए भगवान कृष्ण ने भी वर्ण की बात की है ना, कोई कास्ट की बात तो है नहीं कहीं पे. इसलिए हम हिंदू सब एक हैं, एक हों, संगठित हों, और हम लोग हिंदू के हित, हिंदू धर्म के हित में और राष्ट्र के हित में साथ में काम करें. सर देखा जाए तो बहुत से फॉरेन जो रूलर थे वो भारत पे ही क्यों अटैक करते थे और अभी तक भी कर रहे हैं छुपे रस्ते थे? क्योंकि भारत जैसा वास्तविक रूप में समृद्ध देश पूरे विश्व में कहीं नहीं रहा है. सोने की चिड़िया थे हम. आप आर्थिक समृद्धि भारत की देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी भारत की थी जब तक मुगलों के काल तक थी, जब तक अंग्रेज यहाँ से लूट के नहीं ले गए. सिर्फ आर्थिक नहीं, आप देखिए ज्ञान के रूप में जितने समृद्ध हम थे, आप देखिए क्या वैभव था भारत का. भारत सबसे महान विश्वविद्यालय पूरे विश्व के, चाहे वो
तक्षशिला हो चाहे नालंदा हो चाहे उदांतपुरी हो या विक्रमशिला हो, ये सब विश्वविद्यालय भारत में हुए। पूरे विश्व से लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए भारत आते थे। और चाहे वो आप हमारे संस्कृति देखिए, हमारा दर्शन देखिए, हमारा दृष्टिकोण देखिए, चाहे हमारे ऋषियों की परंपराएं देखिए, या हमारा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा योगदान देखिए, हम हर क्षेत्र में अग्रणी रहे प्राचीन काल से। तो या तो वो यहाँ पे ज्ञान के लिए आए, और या तो फिर यहाँ पे धन दौलत लूटने के लिए आए हैं, और या वो लूटने के साथ साथ उनको अपनी किताब में जो जिहाद करना था उस जिहाद के चलते यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों का धर्मांतरण कर दिया। तो यहाँ पे भी जो मुस्लिम हैं वो उनके पूर्वज तो हिंदू थे, वो तो वास्तविक रूप से हिंदू ही हैं। उसको इस बात में सबको स्वीकार करना चाहिए कि वो देश काल परिस्थिति थी, ऐसी कठोर परिस्थितियाँ थी उस समय, और कोई विकल्प नहीं था, और प्राण रक्षा के लिए वो करना पड़ा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भारत देश के होके और हिंदू आपके पूर्वज थे, अगर आपने कोई और धर्म उस समय स्वीकार कर लिया तो आप इसका मतलब थोड़ी ना कि आप मूल जो आपका धर्म था और मूल जो आपका देश है, आपकी मिट्टी है, आप उसके विरुद्ध हो जाएं। तो ये इतने 2300 वर्षों से भारत को लोग आक्रमण करते आए, लूटते आए, क्योंकि यहाँ इतना कुछ था लूटने के लिए। अब कोई जाके ऐसे गरीब देश में क्या लूटेगा, ना 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 जहाँ पे धन हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, ना ज्ञान हो, ना परंपरा हो, जहाँ होगा वहीं जाके लूटेगा। इसलिए आज भी लूटना जारी है, आज भी लूट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी तक वो अटैक चालू है हमारे देश पे ऊपर, चाहे वो कुछ इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो? नहीं, अटैक तो अभी भी चालू है। जितनी भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं दुनिया के, वो तो चाहते नहीं कि हिंदू धर्म वो बचे, वो तो चाहते हैं कि या हम कन्वर्ट हो जाएं या विनष्ट हो जाएं। तो परोक्ष रूप से अटैक है। आज भी भारत में देखिए पूरा जोर लगा के कन्वर्जन्स करने में लगे हैं लोग। मिशनरीज अलग कर रहे हैं, इस्लामिस्ट अलग कर रहे हैं, उनका जिहाद अपनी तरह से चल रहा है, अलग अलग रूप में चल रहा है। पाश्चात्य के देश वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत उभरे, विश्व पटल पे आए, किसी भी रूप में आए, चाहे वो आर्थिक समृद्धि के रूप में आए या सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो के आए। इसलिए भारत को खंडित करने की दिशा में वो अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन सब के प्रति हिंदुओं को बहुत सचेत होना पड़ेगा, बहुत जागृत होना पड़ेगा, बहुत संगठित होना पड़ेगा, और उनको समझना पड़ेगा कि जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं उनके पीछे की उनकी क्या मंशा है, और उसके प्रति सचेत होके अपने धर्म के, अपने भारत के, अपने राष्ट्र के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। मैं अभी ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन करता हूँ आपको। इस बार जो चुनाव के नतीजे हम देखे तो ऐसे लग रहा था कि 400 पार हो जाएगा, सब इकट्ठा हो गए हिंदू स्पेशली। इलेक्शन रिजल्ट देख के क्या लगता है आपको, ऐसा हो गया है? देखिए जैसे मैंने कहा ना कि ये चुनाव जो है ना, इसमें बहुत सी विदेशी ताकतों का इंटरफेरेंस था है। और विदेशी ताकतें जो हैं वो कैसे इंटरफेरेंस करेंगी, वो यहाँ पे भ्रांतियाँ फैला के, झूठ फैला के, फेक नैरेटिव्स फैला के, हिंदुओं को बांट के, जैसे उन्होंने बांट दिया हिंदुओं को जात में फिर से, जैसे झूठ जो है नैरेटिव फैलाया गया कि अगर ये भाजपा आएगी तो वो संविधान बदल देगी। जिस पार्टी ने 106 बार संविधान खुद बदला हो अपने 60 साल के रूल में, वो पार्टी दूसरों के ऊपर आक्षेप लगा रही है कि वो संविधान बदल देगी अगर आएगी, दलितों को ऐसा करेगी, पिछड़े वर्ग को वैसा करेगी, आरक्षण हटा देगी, संविधान बदल देगी, इस तरीके के, और पैसा जो है छीन के जो है बांट देगी। देखिए ये सब झूठ और छल से वो ये संभव हो पाया, और इसमें नैरेटिव्स में बैकिंग जो है वो विदेशी ताकतों की थी है। इसीलिए ये परिणाम अच्छा आया है, लेकिन हाँ थोड़ी सीट्स कम आई हैं।
लेकिन हिंदुओं को बटना नहीं है, इनके झूठ में, इनके फेक नैरेटिव्स में बहना नहीं है, संगठित होना है और हर किसी को, चाहे ऊँच हो नीच हो, कोई भी जात का हो, ये सब भूल जाए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने महान संत थे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में, जो कबीर के सबके गुरु थे, और उन्होंने इतनी सुंदर बात उन्होंने कही थी कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। तो हमारा कोई जात पात, हम सब हिंदू हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारा कोई जात नहीं है। हमारे तो गोत्र होते थे, जात कहाँ होती थी, हमारे तो वर्ण होते थे। हमको तो इस जात में इन गोरों ने अभी 150 साल पहले से उलझा दिया है और हमने उसको सच मान लिया है। इसलिए इस जात पाट जितनी भी इसकी ये इन्होंने हमारे अंदर ये मनमुटाव पैदा किया है, इसको ख़त्म करके, इसको पाट के हमें गर्व से सबको कहना है कि हम हिंदू हैं, हिंदू एक है और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें कार्य करना है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आप गोवा के बारे में, क्या गोवा के बारे में आपने कुछ OTT बनाया है, कोई फिल्म? देखिए, मैं आपसे वास्तविक रूप से कहूं महेश जी, तो गोवा जब भी मैं आता हूं तो इतनी अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। गोवा में ऐसी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, देखिए अब इस पवित्र, इस दिव्य स्थान में जहाँ बैठे हैं, कितनी अद्भुत यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा है। इतना ये पवित्र क्षेत्र है, हमें लगता है बहुत महान यहाँ पे संत महात्मा ऋषि मुनि साधक यहाँ हमेशा से रहे हैं, यहाँ इतने दिव्य मंदिर हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ इसको, जब व्यक्तिगत रूप से आके जब इस ऊर्जा को, इन वाइब्रेशंस को, जब मैं इस चेतना को महसूस करता हूँ, उस आनंद की अनुभूति करता हूँ, लेकिन जब गोवा की पोजिशनिंग में देखता हूँ जो विश्व में है, कि ये बीचेस और बूज और इस सब का ही एक केंद्र है और ये एक इस तरीके का प्रदेश है जहाँ पे व्यभिचार होता है सिर्फ, है तो बड़ा कष्ट होता है। हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसको गोवा की छवि को सही रूप में रीब्रांड करना चाहिए, उसके सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, और प्राच्यम अगर इसमें कुछ कर पाए, प्राच्यम OTT अगर कुछ कर पाए, हमारे जो अद्भुत, जो इतनी क्रिएटिव लोगों की फिल्म मेकिंग की टीम है, अगर इसमें कुछ कर पाए सरकार के साथ, तो मैं निश्चित रूप से हम लोग करना चाहेंगे कि हम इस छवि को बदल के रख देंगे, एक नई एक पोजिशनिंग करेंगे, नई ब्रांडिंग करेंगे गोवा की, जहाँ पे लोग आए तो अद्भुत मंदिरों में आके दर्शन करें, जो यहाँ की संस्कृति को जानें, यहाँ के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको जानें, यहाँ पे जो इतने अद्भुत किले हैं, फोर्ट हैं, उनके विषय में जानें, और जो यहाँ भारतीयता हम सबके, आप सबके हृदय में जो भारत की संस्कृति बसती है, उसको विषय में लोग जानें, और यहाँ इसलिए पर्यटन के लिए आए, यहाँ पे इसलिए तीर्थाटन करने के लिए आए, न कि ये अंग्रेज़ों को का इसको अड्डा बना दें जहाँ पे आके वो सिर्फ बीचेस में नंगे होकर घूम रहे हो।